हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानोक्ति में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ NCERT की बुक्स कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास फर्स्ट से क्लास ट्वेल्थ तक की सारी बुक्स की PDF आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ई बुक जिन्हें हम कहते हैं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो चाहे मैथ की हो, कोई भी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। तो दोस्तों, इसके लिए मैं दो तरीके आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, दूसरा मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, दोनों साइट का लिंक मैंने दिया है। एक ये साइट है, यहाँ आपको सभी क्लास वाइज जो बुक हैं वो यहाँ अवेलेबल करा रखी हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, क्लास 1 से 12 तक की सारी बुक्स यहाँ अवेलेबल करा रखी हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं क्लास 12th की, तो एक नया यहाँ जो क्लास 12th का जो सारी बुक्स हैं, सभी बुक्स की जो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बुक का नाम लिखा हुआ है। जैसे हिंदी की अंतरा है, आरो है, वितान है, अंतराल भाग 2 है, इसी तरह अंग्रेजी में फ्लेमिंगो है और विस्टन है, विस्टस है, इसी तरह भौतिक विज्ञान भौतिकी भाग 1 भाग 2 है, रसायन विज्ञान है, गणित है, मैथ है, हिंदी इंग्लिश में यहाँ से आपको मिलेगी। और इसी तरह सारे जो सब्जेक्ट हैं सभी की PDF का लिंक यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह आप किसी भी क्लास की जो बुक हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली क्लास पे यहाँ जो क्लास लिखी हुई है उस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको उसके बाद उस क्लास की जो जितनी भी बुक हैं उनकी PDF का लिंक यहाँ आप देख सकते हैं आपको दे रखे। जैसे हिंदी की रिमझिम है, अंग्रेजी की मारी गोल्ड है, गणित का यहाँ गणित का जादू है, पर्यावरण अध्ययन है, आसपास कक्षा 3 के लिए ये है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT.NIC.IN ये वेबसाइट है। यहाँ पब्लिकेशन के ऑप्शन पर आपको आना है और पब्लिकेशन के ऑप्शन में आप जैसे स्क्रॉल ले जाते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ PDF क्लास 1 से 12 तक का ये एक ऑप्शन मिलता है, इसको आपने ओपन कर देना है। इस तरह से यहाँ आप अपनी क्लास, अपने बच्चे की क्लास सेलेक्ट करेंगे या अगर आप खुद अपने लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 1 से क्लास 12 तक का है। उसके बाद 11वीं 12वीं का कंबाइंड कोर्स भी यहाँ दिया हुआ है। तो आपकी जो भी क्लास है आप इस तरह से क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है। तो मैं अगर आप हिंदी यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं या मैथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, बाय द वे आप मैथ अगर सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट बुक टाइटल जैसे कि मैथ मैजिक ये इंग्लिश में होगी पूरी, और ये गणित का जादू ये हिंदी में होगा, और रियाजी का जादू ये उर्दू लैंग्वेज में होगी। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कुछ जो बुक्स हैं जिनकी की लैंग्वेज जैसे गणित का हो गया या विज्ञान का हो गया, तो उनकी अलग अलग लैंग्वेज, यानी मैथ जैसे है तो ये इंग्लिश में और मैथ हिंदी में, और मैथ जो है आपकी उर्दू में, यहाँ 3 अलग अलग लैंग्वेज में दी हुई है। तो आप को जिस भी लैंग्वेज में सूटेबल है उस पर आपको क्लिक कर लेना है और गो पे क्लिक कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर आपके पूरे आ जाते हैं, यहाँ से आप चैप्टर वाइज भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, चैप्टर के आगे ओपन कर देना है इस तरह से। तो ये देख सकते हैं आप, चैप्टर ये खुल चुका है। इसी तरह अगर आपको पूरी बुक डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड कम्प्लीट बुक पर आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपकी ये इस तरह से एक फोल्डर आ जाएगा, इसको आपने सेव कर लेना है तो आपकी ये जो बुक है डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह आप किसी भी क्लास की देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। हमने जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ये इस तरह से अलग अलग जो क्लासेस हैं उनकी जो है बुक यहाँ ओपन कर रखी हैं, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह आप भी किसी भी क्लास की बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। बुक डाउनलोड करने के लिए केवल आपको NCERT की वेबसाइट पे आना है और 2 मिनट में आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये आसपास देख सकते हैं ये कौन सी क्लास की है, इसी तरह ये 36 भाग 2 ये भी आप देख सकते हैं। सारी बुक्स के आपको यहाँ मिलता है। ये क्लास 5 की मारी गोल्ड आप देख सकते हैं, और पूरी की पूरी जो बुक NCERT का जो कोर्स है पूरा कोर्स यहाँ आपको देखने को मिलेगा, सभी जो बुक्स हैं आपको यहाँ मिलती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज, और कंप्लीट बुक भी आपको यहाँ मिल जाती है। तो दोस्तों, टीचर्स नोट भी यहाँ दिया हुआ है, टीचर्स नोट भी आप ओपन कर सकते हैं। टीचर्स नोट अगर आप टीचर हैं तो टीचरों के लिए भी यहाँ दिया हुआ है कि कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे क्या क्या करना है, और चैप्टर वाइज तो यहाँ पूरा जो बुक है चैप्टर वाइज भी दे रखा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये NCERT की जो बुक्स हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक इनको आप अपने बच्चों के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप जो आपकी PDF ओपन हुई है उसे इस तरह से आप डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे इस तरह से, और यहाँ इस तरह देख सकते हैं पूरे जो चैप्टर हैं चैप्टर वाइज ये डाउनलोड हो चुका है। किसी भी चैप्टर को आपको खोलना है तो इस तरह से
ओपन कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके खुल जाएंगे। इसी तरह आप किसी भी जो आपका जो चैप्टर है उसको ओपन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, पूरी पीडीएफ जो है, पूरी बुक की पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने बच्चे के लिए ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी का जो कोर्स है, या फिर आप किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी इस वेबसाइट के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको सभी क्लास फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ तक की सभी क्लासेस की जो बुक्स के जो लिंक हैं, पीडीएफ के लिंक हैं, वो अवेलेबल करा रखे हैं यहाँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से भी सिंपली अपने जो आपकी क्लास है उसके आगे आपको बुक का नाम दिया हुआ है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, उसके बुक का नाम दिया हुआ है। बुक पर आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली इस पर आपने क्लिक कर लेना है, और जो भी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, जो भी चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है उस पर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन एक मिलता है, डाउनलोड पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो है बुक डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप हिंदी में या इंग्लिश लैंग्वेज में या आपका जो भी आपका सिलेबस है वो यहाँ से पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आपका हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है, और अगर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं कैसे डाउनलोड करना है या बुक्स से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपकी इसी तरह से जो बुक से रिलेटेड पूरी जानकारी है हम आपको कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।